तो भाइयों ये है अपनी मारुति अर्टिगा, ये की जा चुकी है वाइब्रो फिल्टर की डबल एयर डैम्पिंग की गई है इसकी। इसका वुडन इंटीरियर होगा। ओके, जो उसको हम इंटीरियर होता है उसे रिप्लेस कर रहे हैं वुडन में। अच्छा, इसकी 10 पैनल की किट आती है। ओके, वो 10 के 10 पैनल लगा रहे हैं। एक बार JBL के स्टेज सीरीज के 6 इंच वाले स्पीकर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए जो वुडन पार्ट्स में दिखा बता रहा था ना आपको, वो ये वाले कुछ इस तरीके के। रोशनी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए तो ये क्रोम लगना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे एक फिटिंग की जा रही है, प्रॉपर प्राइमर की फिटिंग की जा रही है। वेलकम टू द चैनल मोंटी मलिक दिस साइड, और आप सभी के लिए मारुति अल्टिगा की मॉडिफिकेशन लेके आया हूँ। काफ़ी भाई कमेंट आ रहे थे कि भाई अल्टिगा की वीडियो नहीं ला रहे हो, अल्टिगा की वीडियो नहीं ला रहे हो, तो भाई आज ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें भाई इंटीरियर एक्सटीरियर म्यूजिक डैम्पिंग वगैरह भाई सारा काम किया जा रहा है तसल्ली से। और मैं आया हूँ अपने SM कार कस्टम्स पे जो कि अपने रोहिणी में लोकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और मॉडिफिकेशन की वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस ये है अपनी मारुति अल्टिगा, ये आपका ना VXI वेरिएंट है। तो मॉडिफिकेशन के लिए आइए अपने SM कार कस्टम्स पे, यानी 16 भाई के पास आइए। तो चलिए इस गाड़ी में क्या क्या काम किया जा रहा है डिटेल में दिखाते हैं आपको। तो अभी है ना बाहर से तो भाई इसमें आई थिंक DRL वगैरह लगेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह होएगी तब। अभी की बात की जाए ना तो अभी इसमें ना ये देखिए आप, ये की जा चुकी है वाइब्रो फिल्टर की डबल एयर डैम्पिंग की गई है। इसकी थिकनेस वगैरह भाई 1.8 mm की उत्तर काफ़ी अच्छी है। ये गर्मियों के हिसाब से भी और अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको दिखा चुका हूँ, ये सक्सेस डैम्पिंग है, इसे इंस्टॉल की जा रही है। और साथ में म्यूज़िक की बात की जाए तो JBL के कॉम्पोनेंट लगाए जा रहे हैं जो कि 390 वोल्ट वाले हैं। बाकी सौरभ बताया क्या क्या काम किया जा रहा है इसके अंदर भाई। अल्टिगा के अंदर हम अपने तो म्यूजिक सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आपके डैम्पिंग और गेट्स के अंदर डबल लेयर। अच्छा, आपका एंड्रॉइड लग रहा है प्रॉपर 232 एप्पल कारप्ले के साथ। ठीक है भाई। और JBL के कॉम्पोनेंट लगा रहे हैं, JBL के ही पीछे कोएक्सियल लगा रहे हैं। अच्छा, और काफ़ी क्रोम आइटम है जैसे कि आपके फोग लैंप हो गए, फोग लैंप DRL हो गई, रेयर साइड का क्रोम, मतलब एक्सटीरियर के जो आइटम है क्रोम की सारी कवर कर रहे हैं। ओके, अपने पास जो अल्टिगा आई है स्पेशल डिमांड पे, जैसे कि इसका वुडन इंटीरियर होगा। ओके, जो उसको हम नॉर्मल जो इंटीरियर होता है उसे रिप्लेस कर रहे हैं वुडन पैनल। अच्छा, इसकी 10 पैनल की किट आती है। ओके, वो 10 के 10 पैनल लगा रहे हैं। एक बार अभी तो काम प्रोसेस में है, जब कंप्लीट हो जाएगा और तब इसका रिव्यू देंगे कितना प्यारा गेटअप आएगा। ओके, अभी काम को स्पीड दिखाओ। जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है, एक पार्ट है पर डैशबोर्ड का पार्ट होता है, इसका पुराने वाला पार्ट उतार लिया गया है, बाकी जो भी पार्ट्स है ना वो शॉप के अंदर है, वो आपको दिखा दूंगा मैं। साथ में साथ बात की जाए तो ये वाले स्पीकर्स आते हैं पेपर कोन, देख लो कुछ इस तरीके के होते हैं, निपोन वगैरह के होते हैं, आई थिंक ये निपोन के होते हैं ना। हाँ, निपोन के आते हैं कंपनी से। तो उनको रिप्लेस करके ना इसमें लगाया गया है JBL के कॉम्पोनेंट है जो कि 390 वोल्ट वाले हैं। और ये आपका भाई यहाँ पे फिल्टर लगाया गया है, ये वायरिंग वगैरह की जा रही है कुछ इस तरीके से, ये आपकी कंपनी की वायरिंग है इसमें यहाँ तक की, ये आपके एंड्रॉयड वगैरह की वायरिंग की जाएगी, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। पुराना स्टीरियो ये वाला है जो निकला है, उससे एंड्रॉयड लगेगा, वो आपको दिखा दूंगा। और बैक साइड में देखा जाए तो डैम्पिंग वगैरह यहाँ पे भी हो चुकी है वाइब्रो फिल्टर की, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखाया था, इसकी थिकनेस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे JBL के स्टेज सीरीज़ के 6 इंच वाले स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ओरिजिनल की गारंटीड होती है। और डैम्पिंग का रिस्पॉन्स दिखाओ ना, ये देखो आप, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरीके का काम इसमें किया जा रहा है। डैम्पिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है आपकी गाड़ी को नॉइज़ प्रूफ बनाने के लिए। बैक साइड में बात की जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा मतलब क्रोम आइटम्स वगैरह लगाए जाएंगे, वो भी मैं आपको चेकआउट करवा दूंगा। अभी भाई शॉप के अंदर एंट्री करता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए जो वुडन पार्ट्स में दिखा बता रहा था ना आपको, वो ये वाले कुछ इस तरीके के। रोशनी में दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, 10 पार्ट का सेट होता है इनका, जैसे कि आपके डोर्स के हो गए, पावर विंडो वगैरह के एरिया वाले, उसके अलावा ये आपके देख लो ये कुछ इस तरीके का पार्ट होता है। और ये देखिए आप, 10 पार्ट की किट आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी, ये देख लीजिए आप। डिज़ाइन वगैरह आपकी पर्सनल चॉइस होती है कौन सा डिज़ाइन आपको लगवाना है। इसके बाद आपको ये देखिए, ये यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है हमारे शमशेर के द्वारा, और ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें। और पुराना उतरा हुआ कौन सा है भाई, जो पुराना उतरा है वो ये वाला है कुछ इस तरीके का, और ये आपका वुडन में हो गया है, ये देख लीजिए आप। बाकी सारे पार्ट्स जब इंस्टॉल हो जाएंगे तब आपको पूरा गेटअप आएगा और बताएंगे भाई अल्टिगा में ये टॉप लेवल की मॉडिफिकेशन की जा सकती है। वैसे अल्टिगा में एंड्रॉयड की बात की जाए तो इसमें रोशनी ब्रांड का लगा जा रहा है 2GB 32GB प्रॉपर विद एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले। इसके साथ बात की जाए तो ये देखिए आप, ये इसकी
एंड्रॉयड फ्रेम होता है, कुछ इस तरीके का होता है ये। साथ में ये आपके भाई कपलर्स वगैरह होते हैं, माइक वगैरह कपलर वगैरह जो भी आइटम्स होते हैं ना वो होती हैं इसमें। ये आपका GPS वगैरह होता है, देख लो आप, ये आपका पेन ड्राइव वाला ऑप्शन होता है, ऐसा कुछ सेटअप किया गया है। इसके अलावा बात की जाए म्यूज़िक में तो फ्रंट में JBL का 390 वोल्ट वाला कंपोनेंट लग रहा है और रियर में आपका ये स्टेज सीरीज का क्वाइजल स्पीकर लग रहा है। काम अभी फुल स्पीड में चल रहा है तो आपको काम दिखाता हूँ, अभी वर्किंग प्रोसेस कैसा क्या रहता है वो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अभी आपको काम की वर्किंग दिखाऊँ ना, तो ये क्रोम लगना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए यहाँ पे फिटिंग की जा रही है, प्रॉपर प्राइमर के थ्रू किया जाता है ये। बट मुझे आपको आइडिया देना था कैसा क्या वर्किंग है तो आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे लोअर गार्निश भी लगाई जाएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे क्या रिस्पॉन्स आएगा। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे फॉग लाइट में क्रोम और ये यहाँ पे जो DRR वाला एरिया है यहाँ पे भी क्रोम फिट कर दिया गया है। ओवरऑल सारा रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है भाई कैसी क्या वर्किंग है। उसके अलावा इंटीरियर में चलेंगे तो अभी गत्ते वगैरह सारे पैक हो चुके हैं, एंड्रॉयड वगैरह फिट हो चुका है और ये अपना पुराने वाला स्टीरियो निकल चुका है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाए ना आपको अलग ही रिस्पॉन्स और अलग ही मज़ा आएगा। उसके अलावा आपको मैं एक बार बेस ट्यूब दिखाऊं, तो ये देखिए हाइपर सोनी की प्रॉपर बेस ट्यूब इंस्टॉल की गई है, वायरिंग वगैरह देख सकते हो आप, लिमिटेड वायरिंग की गई है। और ये देखिए आप हाइपर सोनी की आपकी आठ इंच की बेस ट्यूब है, ये हो गई यहाँ की अल्टिगा में प्रॉपर कामयाब है। ये देख लो आप, अगर इस कोने में रखते हो ना आप ऐसे, तो एक दो बैग आपके पिट्ठू बैग इसमें आ जाएंगे। बाकी हाइपर सोनी की बेस ट्यूब है और अपना एंड्रॉयड वगैरह नीचे अंदर लगा हुआ है। इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे भी चल रही है, ये देख लीजिए आप, ये भी यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, तब आपको दिखाऊंगा। सो फाइनली गाड़ी के ना इंटीरियर एक्सटीरियर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। SM कार कस्टम से सौरभ बताएगा कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या काम किया गया है। पहले एक्सटीरियर की बात करेंगे फिर इंटीरियर की बात करेंगे, तो शुरू हो जाओ भाई। पहले बाहर से बात करते हैं, सारा जो क्रोम वर्क हुआ है ना, अच्छा प्रॉब्लम कवर से आते हैं। ओके, ये दोनों जो है ना कवर क्रोम के, अच्छा ब्रांडेड है, एक साल की वारंटी के साथ आती है। एक साल की वारंटी खत्म है, मतलब रस नहीं पड़ेगा बट आपको सफाई रखनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। ओके, तो फ्रंट से यही काम किया गया है, फ्रंट के क्रोम ये लगाए गए हैं दोनों। ओके, साइड में आते हैं आपके लोअर गार्निश के ऊपर जो एकदम एस टू एड लास्ट तक जा रही है, ये ब्रांडेड है आपकी फ्रंट से है। अच्छा, उसमें आपके हैंडल क्रोम दोनों। ओके, दोनों आपके हैंडल क्रोम, मतलब कोई भी पार्ट हमने सब क्रोम का नहीं छोड़ा है। अच्छा, क्रोम पार्ट हमने सारा कवर किया है। ओके, आपका स्पॉइलर क्रोम ये इसका, अच्छा ओके, ये आपका नंबर प्लेट क्रोम होता है। ठीक है भाई, ये भी ब्रांडेड सब मतलब लिप ब्रांड का लगाया। ओके, उसके बाद आपका ये रिफ्लेक्टर क्रोम हो गया। ओके, ये अपर पार्ट हो गया, या आपका लोअर पार्ट हो गया, ये स्क्रैच पड़े थे तो होना चाहते थे कि भाई फ्यूचर में ना पड़े थे, इसलिए लगवा लिया। मतलब क्रोम अल्टिगा का, मारुति किसी भी गाड़ी का सारा ब्रांडेड, एक साल की वारंटी सर को हमारे शॉप पे मिलेगा। ओके, बट ये कि साफ सफाई आपको रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, सही बात है। आप कंपनी का भी क्रोम आता है उसको साफ सफाई रखनी पड़ती है, वो भी काला पड़ जाता है। सही बात है यार। उसके अलावा ये कैमरा हो गया, देख लो आप, ये आपका HD क्वालिटी कैमरा लगाया है। ओके, चलिए गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, फिर इंटीरियर की बातें करते हैं। सो गाड़ी के अंदर इंटीरियर में एंट्री करूँगा ना मैं, तो भाई वो आपको ऐसे दिखा देता, डबल एयर डैम्पिंग देख लो एक बार आप, तो ये डिफरेंस तो आता ही डैम्पिंग में, ठीक है। सो हम आ गए गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर में बताओ भाई किस तरीके का परफेक्शन वर्क किया गया है। भाई इंटीरियर में इसका जो 10 पीस की किट आती है प्रॉपर ब्रोडन की, अच्छा वो इंस्टॉल की गई है, जो उसके स्ट्रोक पार्ट होते हैं सब निकाल दिए गए हैं। ओके, और आपके यहाँ स्टार्टिंग करते हैं ये लेफ्ट साइड डोर से। ओके, ये प्रॉपर जो इसका डोर ट्रिम है ना, ये वाला, हाँ ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक आपका ये पावर विंडो वाला। ठीक है भाई, ये फ्रंट डैशबोर्ड का पैनल होगा पूरा यहाँ से देख लीजिए गाइस, क्वालिटी आप चेकआउट करो। एक आपका राइट साइड में येला पार्ट हो गया, अच्छा फिर आपका ये साइड डोर ट्रिम और ये पावर विंडो वाला जिसमें आपके फोर डोर ऑपरेट होते हैं। छह पार्ट तो यही हो गए, छह पार्ट आपके यही हो गए, बाकी साइड में आपके दो पार्ट ये हो गए, अच्छा दो पीछे के हैं, और लास्ट आपके जो कप होल्डर होते हैं ना, ये देखिए गाइस कप होल्डर भी आपको दिखाई दिए हैं, मतलब ऐसा कुछ परफेक्शन का काम किया गया है। उसके अलावा ये अपना एंड्रॉइड कौन सा है भाई? ये भाई ये 232 GB का एंड्रॉइड है, रॉक्सिन ब्रांड का। अच्छा, मतलब आज के टाइम में अगर आपको बेसिक में चाहिए तो बेसिक में भी अपने पास एंड्रॉइड अवेलेबल है। ठीक है, कस्टमर की डिमांड थी कि हमें थोड़ा अच्छा चाहिए स्टोरेज, तो 232 विद एप्पल कारप्ले वायरलेस। इसका मदरबोर्ड कौन सा है? T5 लिंक वाला भाई है, और सारा काम मतलब परफेक्शन के साथ किया है। बाकी एंड्रॉइड फ्रेम की फिटिंग वगैरह आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, और यहाँ के बटन्स वगैरह देख लो। और इंटीरियर में भाई दो एक साइड कंपोनेंट लगाया गया है, एक JBL स्टेज सीरीज का लगाया गया, यही लगाया ना भाई? फ्रंट में JBL के कंपोनेंट लगाए गए हैं,
और सेम जेबल के कोएक्सल लगाए हैं बैक साइड में। ओके तो चलो अभी डिसेंट आउटपुट है। ओके तो बेसिक नीट एंड क्लीन बेसिक काम किया गया गाड़ी के अंदर है ना। इंटीरियर में आपको हमने दिखा दिया था कि वुडन पार्ट हो गए आपके। हाँ हाँ। और आपका क्या कहते हैं कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं आगे पीछे। डैम्पिंग हो गई। डैम्पिंग डैम्पिंग की डबल लेयर वाइब्रो फिल्टर की इसमें। ओके तो ये काम किया गया गाइस। इंटीरियर एक्सटीरियर दिखा दिया। अब आप म्यूजिक की आवाज सुनो और जेबल के कंपोनेंट्स प्लस स्पीकर्स के आउटपुट मुझे बताना कैसा क्या रिस्पांस आने वाला है और बाकी बजट वगैरह की बातें इसके बाद करते हैं हम। कस्टमर रिव्यू लास्ट में लेते हैं हम। ओके भाई बात कर लेते कितना क्या बजट वगैरह है सारी गाड़ी में अर्टिगा मॉडिफिकेशन करने का। सो आपको सारा काम वगैरह हमने दिखा दिया है। अब भाई कितना क्या बजट है गाड़ी में वो बता दो और कितना टाइम लगा है। भाई 3-1 घंटे लग गए काम में। अच्छा 40,000 रुपये का बजट आया सारा। ओके प्रीमियम सारा काम करके दिया गया है ना। ओके ठीक है। और किसी को आना तो कहाँ पे आए। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी है और नंबर भी होता है। वीडियो फ्लैश होता है। ओके ओके बाकी एसएम कार कस्टम से भाइयों आप आ सकते हैं। अपनी गाड़ियाँ किसी भी गाड़ियाँ काम करवा सकते हो। बाकी रूम वगैरह सब कुछ भाई सेकंड बार भाई भाई को आपने देखा हो पहले ओरा की वीडियो में और अब की बार आए हैं ये अपनी अल्टिगा लेके। भाई भाई आ जाओ एक बार ऐसे जाने नहीं देंगे तुम्हें। अच्छा फहीम भाई काम कैसा लगा दूसरी गाड़ी आपकी। ऐसा काम बढ़िया लगा। पहले एक बार ओरा भी करवा के ले गए हैं। हाँ हाँ उसका काम भी बढ़िया लगा हमें इसीलिए हम अर्टिगा लाए हैं दोबारा। तो मजा आ गया अर्टिगा में भी। हाँ जी मजा आ गया। सेटिस्फैक्टरी काम हो गया। ओके थैंक यू भाई। ओके भाई बहुत बड़ी मोटी पार्टी है भाई। नई नई गाड़ियाँ डेली खरीद रहे हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसे बताना लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाड़ी मॉडिफाई वगैरह करानी है आपको तो आप आ सकते हो एसएम कार कस्टम्स रोहिणी पे। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए। सारी